नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कितने नंबर आपको लाने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और पवन पारिक को सर्च करके फॉलो कर लेना है। इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं शुरुआत में हिंदी की। तो हिंदी के अंदर आपको कितने नंबर लाने होंगे, जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी से अगर आप पुरुष हो तो अगर आप 300 से 80 से 390 नंबर लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद में महिला की बात करें, जनरल के अंदर है तो 375 से 380 के बीच में रहने की संभावना है पूरी। ओबीसी की बात करें तो हमने पिछली जितनी भी कट ऑफ है पिछले पेपरों की, 5-6 पेपरों की, उनके सभी का विश्लेषण करने के बाद में ये कट ऑफ बनाई है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अगर 375 से 380 नंबर आप लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी महिला की बात करें तो यहाँ पे 365 से 370 रहने की पूरी संभावना है। एससी की बात करें तो 350 से 360 और महिला एससी की यहाँ पे 340 से 345 के बीच में रहेगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी के अंदर पुरुष की 340 से 350 और महिला की 330 से 340। तो ये तो थी आपकी हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग रखते हो तो यहाँ पे जनरल पुरुष की 370 से 375, महिला की 365 से 370। ओबीसी की बात करें तो पुरुष की 360 से 370 और महिला की 355 से 360। एससी की बात करें तो पुरुष की यहाँ पे 330 से 340 और महिला की 320 से 330। एसटी की बात करें तो एसटी की 300 से 310 और महिला की 300 से 305 के बीच में रहेगी इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ। इसके बाद में एसएसटी की बात करते हुए तो एसएसटी के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखते हो तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे महिला और पुरुष की सेम ही रहने की संभावना 330 से 340। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 320 से 330 और महिला की, ओबीसी महिला की 315 से 320। बात करें एससी की तो पुरुष की 390 से 395 और महिला की 260 से 200 सॉरी यहाँ पे 290 से 295 और महिला की 260 से 270। एसटी की बात करें तो 270 से 280 पुरुष की और 260 से 265 यहाँ पे महिला की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो ये आपकी संभावित कट ऑफ थी। तीन सब्जेक्ट के हम लेके आए, बाकी सभी सब्जेक्ट की आपको कुछ टाइम बाद में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। आपको एक संभावित कट ऑफ बतानी थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था कि इस बार कितने नंबर लाएं तो सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। धन्यवाद। जय हिंद।